दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान मारते हैं तो तारते भी हैं। ये कहावत हम सब लोग सुनते हैं और आज इसी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दरअसल मई महीने के अंतिम दिनों में बाड़मेर जिले के पचपदरा में एक हादसा हुआ था। जगदीश भील नामक व्यक्ति अपने घर के बाहर सो रहा था। इस दरमियान एक डंपर चालक पुलिस से बचने के लिए अपने डंपर को गलियों में घुसाता है और घर के बाहर सो रहे जगदीश पर वो डंपर चढ़ता है और उस जगदीश की उस हादसे में मौत हो जाती है। जगदीश की 5 बेटियां होती हैं। जगदीश का कोई बेटा नहीं होता है, उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं होता है। जगदीश की मौत हो जाती है और इस बात को लेकर उनके परिवार के लोग आहत हो जाते हैं कि अब उन बेटियों की, उस जगदीश की पत्नी का पालन पालन कौन करेगा। और ऐसे में हम सब लोगों ने एक मुहिम के माध्यम से उस परिवार की खूब मदद की। आप सब लोगों ने मेरी उस मुहिम पर, उस वीडियो के माध्यम से मदद किया, उस परिवार को आर्थिक सहयोग दिया। मैं आपको खास बात बता दूं कि जगदीश की पत्नी उस समय 7 महीने की गर्भवती थी और अब आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जगदीश के कल बेटा हुआ है। जगदीश की मौत को 2 महीने हुए, अब कल उसको, कल रात को बेटा हुआ है। उसके परिवार में जगदीश की मौत के बाद थोड़ी सी खुशियां लौटी हैं। उन 5 मासूम जो बहनें थी, बेटियां थी, उनके भाई ने कल उनके घर में जन्म लिया है और इस बात को लेकर जगदीश के परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों में भी एक खुशी की हल्की सी लहर है। क्योंकि जगदीश की मौत के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये चिंता थी कि इनके घर में अब कोई मर्द नहीं बचा है, कैसे उनके घर का कौन कमाएगा, कौन लालन पालन करेगा। बेटियां जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सबसे बड़ी बेटी 12-13 साल की थी और ऐसा बताया जा रहा है कि बेटियां घर चलाने के लिए, उसका पति जो है वो बीमार था, बेटियां लोगों घर जाती थी, मांगती थी, मांग कर पैसा कुछ लेकर आती खाने के लिए, जिससे उनका घर चलता था। जगदीश मजदूरी करता था, उसकी भी उस ट्रक डंपर ने कुचल कर उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में हर कोई व्यक्ति, उनकी बहनें चाहती थी कि मेरा भाई हो जाए, हमारे घर में एक और भाई हो जाए तो हमारा, हम जब बड़ी होगी तो हमारी बहनों की कौन शादी करेगा, हमारी जब माँ बूढ़ी होगी तो उनका लालन पालन कौन करेगा, ये सब उनके लिए चिंता थी। लेकिन भगवान ने उनके घर एक बेटे को जन्म दिया है। हालांकि बेटियां उनके लिए, उन बेटियों ने ये भी कहा था कि हम पढ़ेंगे, हमारी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन बेटियों की शादी के बाद कहीं ना कहीं उस माँ को ये जरूर चिंता रहती कि मेरी अब कौन लालन पालन करेगा। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही सुखद खबर मैं आपको दे दूं कि जगदीश भील जो पचपदरा का मई महीने के अंतिम सप्ताह में यह हादसा हुआ था, आप सब लोग जानते हैं कि पचपदरा क्षेत्र में एक बजरी का भरा हुआ डंपर जा रहा था, उसका पीछा पुलिस कर रही थी। डंपर चालक ने लापरवाही से उस अपने डंपर को पचपदरा गांव की गलियों में डंपर को डाला। इस दरमियान एक कच्चे घर में रहने वाला जगदीश अपने घर के बाहर की तरफ सो रहा था और डंपर चालक ने उस अपने डंपर को तेज गति और लापरवाही से जगदीश के ऊपर चढ़ा दिया था, जिससे जगदीश की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी के बाद हम लोग भी वहां पर गए थे, आप लोगों से मदद की गुहार की थी, आप लोगों ने उन 5 बेटियों की खूब मदद की, खूब आर्थिक सहयोग किया। हर कोई व्यक्ति वहां पर गए, गांव के सरपंच ने, जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने, वहां एक छोटी सी गुड़िया पास में रहती है मुस्कान, उसने, सब लोगों ने उन परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए। आप सब लोगों ने मदद की, लेकिन हर कोई व्यक्ति यही चाहता था कि इनके घर में बेचारे 5 मासूम बेटियां हैं वो अब बिन बाप की हो गई है। और ये बात उस समय उसकी जो पत्नी थी वो 7 महीने की गर्भवती थी और कल रात को उसकी पत्नी के बेटा हुआ है, उनके परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया है, तो अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है। इसीलिए कहते हैं मारता भगवान भी भगवान है तो तारता भी भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।